यार, मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं खुलेगा नहीं, मेरा भाई सर्जरी हुई है, मैं नहीं खोला। ओ भाई माशाल्लाह यहाँ बड़ा सीन है, बड़ा माहौल चल रहा है इधर। कमाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ साहिवाल। और हम इस वक्त मौजूद हैं सोड़ी गली के अंदर, मुहाजिरीन मस्जिद के पास वाला ये रोड है, और यहाँ पे हम जा रहे हैं आलम की मछली खाने के लिए। मेरे साथ है शर वही भाई जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ मुझे, और इनके साथ अब्दुल्ला भाई हैं, पीछे निकी खड़ा था निका मुंडा, और ये हसन भाई। अभी हम यार खुशबू अभी से आने लग गई है, अभी हम आहो अभी हम जो है ना इस वक्त बाज़ार में एंटर हो रहे हैं, और हम यहाँ से जाएंगे आलम की मछली खाने, उसके बाद हम जाएंगे बुलबुल की कढ़ाई खाने, जो कि साहिवाल की सबसे फेमस कढ़ाई है, बुलबुल की कढ़ाई। और उसके बाद हम खाएंगे अलहमद के तिक्के, इनके कहने पे, क्योंकि अलहमद के तिक्के बकौल इनके सबसे मज़ेदार चीज़ है, और वो हम चाह रहे हैं कि हम एंड तक खाएँ और उसको अपना टेस्ट लाहौर साथ लेके जाएँ। तो ये वीडियो है सेकेंड एपिसोड साहिवाल का, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ पर देख लें जाके, और इसको हम स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। दो चौक क्रॉस करेंगे, तीसरे चौक पे आलम की मछली है। कितनी दूर है यहाँ से, पैदल कितना चलना पड़ेगा हमें, 5 मिनट? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम खैर पूछ पुछा के लोगों से हमने पता करवा के यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये दीपालपुर बाजार, दीपालपुर बाजार है, बाबे वाला चौक। यहाँ पे हमारे बैक साइड पे ये है आलम दारुल माही, यहाँ से हम मछली ट्राई करेंगे। इनकी मछली पूरे साहिवाल के अंदर फेमस है। साहिवाल में अगर आपने मछली खानी है तो अक्सर लोगों का बकौल कि यहाँ की मछली सबसे बेस्ट है। अभी यहाँ पर चलते हैं, इससे मछली ट्राई करते हैं। ये इनका सिस्टम है, यहाँ पे इनका कढ़ाई शढ़ाई का सिस्टम चल रहा है। ये पीछे रानें लटकी हुई हैं, आगे कढ़ाइयाँ बन रही हैं। ये है मछली, हम इसे जो कि मछली ही ट्राई करने आए हैं, मछली ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? क्या नाम है आपका? फहीम हुसैन। फहीम हुसैन, ये आपका मतलब आप इधर ही होते हैं, ऑनर है? सही, ऑनर आप हैं। अच्छा, तो कब से आपका सिस्टम चल रहा है ये? तकरीबन 55-60 साल से हम काम कर रहे हैं। 55-60 साल हो गए। तो ये सिर्फ रोहू मछली है? रोहू है, गमरा है, गबरा फैला भी है, के बगैर फिंगर फिश है हमारे पास होती। अच्छा है। वो कौन सी है फिंगर फिश में? फिंगर फिश बंगश होती है हमारे पास, पंगेसियस होती है। ज्यादा रोहू डमरा ही चलती है, मसाले वाली, मसाले रोहू और डमरा यही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बेसन वाली या मसाले वाली? बेसन वाली भी चलती है, बेसन के बगैर भी चलती है। अच्छा अच्छा, ये मसाले वाली है, ग्रिल है। अच्छा, ये ग्रिल करते हैं? बारबेक्यू वाली, ठीक है। और लोग ये भी पसंद करते हैं, ये बगैर मसाले के है, बेसन के बगैर है। अच्छा, ये मसाले वाली है और ये बेसन वाली है? ये बेसन वाली है। ये बेसन वाली, तो किस तरह किलो है? ये 860 रुपए किलो है। 860 रुपए किलो है, ठीक ठीक। 1.5 किलो मछली करना, 1.5 किलो लाना है। किलो लाना कर देना, 1.5 किलो लाना, किलो लाना, 1.5 किलो लाना। फिश तो 12 महीने चलती है। अच्छा, फिश आपकी 12 महीने चलती है? बंद नहीं करते हम। अच्छा, चलती रहती है। अच्छा, आता ही रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सही, पैसे गर्मियों में ग्रोथ शुरू हो जाता है, कढ़ाई शुरू हो जाती है। ये बैक साइड पे जो सेटअप लगा हुआ है कढ़ाई का, ये भी चलता है आपका? कढ़ाई भी चलती है। माशाल्लाह भाई, यार ये जो है ना मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल फिश लग रही है। ये क्या चीज़ है, चटनी? ये हमारी फेवरेट चटनी है। फेवरेट चटनी है, फेवरेट चटनी, जिसके बगैर मछली नहीं खाई जाती। हाँ सही, मतलब इसके साथ हम ऑप्टिमम बाइट्स बनाएंगे। ये ना हो तो मछली नहीं, ठीक है भाई, इसके साथ बनाएंगे ऑप्टिमम बाइट्स फिश की इंशाल्लाह। इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप, इमली वगैरह? अच्छा अच्छा, मेरी खट्टी खट्टी चटनी है, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया आपकी बात सुन के, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ये इधर इनका कढ़ाई का सेटअप भी चल रहा है। भैया क्या हाल चला, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? ये क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या बन रहा है? ये चिकन कढ़ाई बन रही है। ओ माशाल्लाह, ये चिकन कढ़ाई बन रही है, ठीक हो गया, वाह जी वाह। और ये सारियों में कढ़ाइयाँ बढ़ी है सब में, सही हो गया।
ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये ब्रोस्ट है, वहाँ फिश पड़ी हुई है। ओ भाई माशाल्लाह यहाँ बड़ा सीन है, बड़ा माहौल चल रहा है इधर। माल वाह, ये चेक करो, ये मछली देखो यार, ये माशाल्लाह, ओह हो कमाल मछली यार, सुभान अल्लाह। ये चीज़, ये मछली, और जब मैं इसकी मतलब बाहर शॉर्ट्स ले रहा था तो जो खुशबू आई थी ना ये चटनी की, ये देखो ये चटनी है पतली वाली, और ये थोड़ी सी कंसिस्टेंट है। इसमें खट्टी चटनी, अनारदाना, आमचूर वगैरह इसमें डाला हुआ है। मुश्किल हो रहा है बात करना, तो टाइम ज़्यादा नहीं करते, इसको ट्राई करते हैं। ओह कमाल, सुभानअल्लाह। एक तो जो है इसको बेसन वाला जो मसाला लगा, वो जो ऊपर से इन्होंने स्प्रिंकल किया ना मसाला इसके ऊपर, ये जो मसाला इन्होंने ये लगाया, ये वाला, ये मसाला बड़ा कमाल है यार। ओह कमाल का मसाला यार। हाँ, बाहर जो मसाला है उसमें भी खटास है, और जो मछली अंदर से है, अंदर जो मछली का मसाला लगा हुआ जो इन्होंने मैरिनेशन किया इसकी, उसमें भी खटास है। वो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लेमन जूस और जो भी सिरके वगैरह में शायद इसको डिप करके रखा है, कुछ इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके अंदर खटास, खटास के इतनी फिट लग रही है ना मछली यार। वन ऑफ द बेस्ट फिश इन पंजाब, कमाल। लो जी ये मछली आ गई, नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस फिश। आलम दारुल माही की रोहू मछली की हम ऑप्टिमम बाइट ट्राई करने गए। ये जो इन्होंने चटनी दी है स्पेशल, इन्होंने कहा है कि इस चटनी के बगैर हमारी मछली का टेस्ट अधूरा है। ठीक है, एक ये चटनी लगाएंगे, साथ में जो चटनी दूसरी है ये भी लगाएंगे। ये मीठी चटनी लग रही है और वो खट्टी चटनी। नाउ जी दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ आलम दारुल माही की रोहू मछली बेसन वाली। यार ख़त्म, ख़त्म है भाई, एंड हो गया आज। इतनी कमाल की मछली है, मुझे सबसे मजे की चीज़ ये लग रही है कि बाहर जो मसाला लगा ही लगा, जो अंदर मैरिनेशन है वो कितनी कमाल है यार। ये देखो तुम वीडियो लग रहे हो ये मछली खाया नहीं है। टेन आउट ऑफ टेन फाइनल, थोड़ी मछली बहुत नेक्स्ट लेवल। छड़ो सीजन तुसी जफी पाओ, बहुत आला मछली यार। अस्सलाम वालेकुम आलम, आपका नाम है आलम साहब, आपके हाथ में अल्लाह पाक ने बड़ा जायका दिया। मैं बड़ी जगहों से मछली खाई है, बड़ी जगहों से खाने खाया है, लेकिन ये जो मछली है ना मैं फ़ैन हो गया हूँ उसका। मैं लाहौर से आया हूँ और मुझे यहाँ पे आके यकीन हो रहा है कि मेरे पैसे पूरे हो गए। बहुत कम टेस्ट ऐसे मिलते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दिस इज वन ऑफ देम। और अभी हम जा रहे हैं बुलबुल के पास, उनकी कढ़ाई ट्राई करेंगे। चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई? मटन कढ़ाई बुलबुल ट्राई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अलहमद पे कलमी टिक्का ट्राई करेंगे। कलमी और अफगानी बोटी, अफगानी बोटी, अफगानी बोटी, जी जी अफगानी बोटी खाएंगे। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं बुलबुल रेस्टोरेंट के ऊपर। ये हाई स्ट्रीट है, मेरे पीछे रोड चल रहा है, हाई स्ट्रीट बोलते हैं उसको। ये सदर चौक है, ये सदर चौक है, यहाँ पे बुलबुल रेस्टोरेंट है, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे न्यू बुलबुल होटल है। इनके पास मटन कढ़ाई, इनकी जाही वाल के सबसे जो फेमस चीज़ समझी जाती है खानों के अंदर, बुलबुल होटल की मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, क्या नाम है आपका? उस्मान भाई। उस्मान भाई कितना पुराना होटल है ये? तकरीबन 100 साल से ऊपर है। 1900 कब का है? 1914। चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई दोनों चीज़ें आपकी, ठीक हो गई। कितने की है चिकन कढ़ाई? कितने की है चिकन कढ़ाई? कितने की है किलो? और मटन 2300। अच्छा पर केजी है। सिर्फ मक्खन में बनाते हैं? अच्छा यानी देसी घी और ऑयल नहीं है। ये है जी सेटअप इनका लगा हुआ, ये जी कढ़ाई बन रही है। ये चिकन कढ़ाई बन रही है, ये भी चिकन है, सही हो गया। आपका नाम क्या है भैया? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई कितनी देर से यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माशाल्लाह। वो मटन बढ़ रही है? सारा चिकन है, ठीक हो गया, ठीक हो गया यार। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है काली मिर्चों की, कमाल खुशबू आ रही है। रोटी, अच्छा रोटियाँ भी बन रही हैं यहाँ, ताज़ी ताज़ी रोटियाँ बन रही भाई। ये तंदूर है,
ये जी मसाले रखे हुए हैं, प्याज है, टमाटर है, ये मक्खन आ गया। लो जी हमारे सामने मटन कढ़ाई आ गई, रोटी का इंतज़ार हो रहा है। एक मैं आपको एक छोटी सी दुआ बता देता हूँ, बाहर से खाना खा रहे हैं और आपको डर है कि ये नुकसान ना दे दे या इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको नुकसान पहुँचा दे, तो आप दुआ है वो पढ़ सकते हैं। इसमें आसमी शई उनफिल वलाफ़िसमा वसमी और आलिम, ये दुआ पढ़ के आप कुछ भी खा लें इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये दुआ पढ़ के एक मरतबा जहर पी लिया था, अनजाने में उनको जहर पिलाया गया था, तो वो ये दुआ पढ़ के उन्होंने वो पिया था जो भी था उनके जिसमें मिला के दिया गया था, तो जहर ने उनके ऊपर असर नहीं किया। ये दुआ याद रखिएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं मटन कढ़ाई को। मटन कढ़ाई के हम ऑप्टिमम बाइट नहीं बना सकते क्योंकि मटन कढ़ाई खुद एक ऑप्टिमम चीज़ होती है। ये छोटी छोटी इन्होंने बोटियाँ की हुई हैं और ऊपर मिर्चों के साथ इन्होंने इसको गार्निश किया हुआ है। लो जी इसकी पहली बाइट ट्राई करते हैं। ये बोटियाँ यहाँ से उठाएंगे आपके सामने से, ये इसका थोड़ी सी हम लगाएंगे ग्रेवी ऐसे करके, ये बिस्मिल्लाह। मेरा मुंह जल रहा है इस टाइम, इतनी गर्म बोटी है ये, लेकिन इतना कमाल का टेस्ट है, गोश्त ऐसा कमाल घुला हुआ है और जो ग्रेवी है, ग्रेवी मक्खन में इन्होंने बनाई है, इस वजह से इसका टेस्ट बहुत कमाल का है। मक्खन काली मिर्च, इसमें आप जो भी चीज़ बनाएंगे बहुत कमाल बनेगी। पीछे बचता है इसकी कुकिंग करना, बोटी को गलाना प्रॉपरली। ये वो गोश्त है जो रेशे नहीं बनेगा, अगर आप इसको चबाएंगे तो ये मुँह में ऐसे जैसे जेली की तरह होता है ना गोश्त, ये इतना गला हुआ गोश्त है, रेशे नहीं आएंगे लेकिन जेली की तरह टूट रहा है ये। अगर रेशे वाला होता थोड़ा चबाने का टाइम मिलता थोड़ा ज़्यादा जूसी होता, लेकिन चूँकि जेली की तरह है जैसे ही चबा रहे हैं डिजॉल्व हो रहा है मुँह में, तो ये चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बटर के अंदर है, काली मिर्च के अंदर है, बहुत कमाल, बहुत ज़्यादा। मतलब आप बुलबुल होटल अगर आते हैं साहिवाल तो इसको ज़रूर ट्राई करें। चलो मी बस करो, काम भी होनी है यार। हमने बुलबुल होटल की मटन कढ़ाई खा ली है, ये भाई ने पूरी कढ़ाई चाट ली है, चाट ली है हमने खाई, इन्होंने चाटी है, होगी कहानी इनके साथ, कहानी हो गई है, फिल्में चलाते हैं इनके साथ, कहानी हो गई है। मैंने कहानी का मतलब है बहुत कमाल, जो उसके सोबड़े मुंह में डालते थे फूट जाते, मतलब बिल्कुल देसी घी की तरह बोटी ना हो गई, बर्फी हो गई। अभी यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है बुरहान भाई ने, ये बुरहान भाई ये इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर रहे थे, अभी इंस्टाग्राम में मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा मैं साहिवाल में हूँ, तो मैंने कहा बाजो बुलबुल कढ़ाई पे, इसलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया करो, मैं मिल गया हूँ ना आपसे, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करें तो कैसे मिलते, नहीं मिल सकते ना, मैंने इंस्टाग्राम से ही देखा था। हाँ अच्छा, तो एक सवाल, आपने इनका चैनल किया हुआ है सब्सक्राइब बड़ी देर से? ये होती है मोहब्बत, ये एक साल से सब्सक्राइबर है। अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं आपको लेके जा रहा हूँ गोलगप्पे खिलाने, डिफरेंट चटकारा पॉइंट है यहाँ पे, अच्छा उसके बड़े स्पेशल गोलगप्पे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अलहमद पे जाएंगे, हाँ जी इंशाल्लाह, वहाँ से फिर हम लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। ये जी आप हमारे मेरे लिए लिखे हैं, ये है क्या? ये स्पेशल है, यहाँ पे सर्दियों में बनती हैं ये, इनको पिनिया कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बेसन की बनती हैं, बेसन की मेवा जात खुश्क होते हैं, ठीक है, और ये एक स्पेशल तरीके से यहाँ पे बनती हैं, ठीक है, तो ये होममेड हैं, ये मेरी मदर ने बनाई हैं। अच्छा, तो ये मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ, बहुत शुक्रिया, आप इसको खाएंगे और ट्राई करेंगे और इसका भी रिव्यू आपने देना है सारे, ठीक हो गया, अभी दे देते हैं, दिखाएं, चलो ये बिस्मिल्लाह, यार बहुत आला माशाल्लाह, देसी घी में बनी हुई है, देसी घी में कमाल, मक्खन भी मक्खन डलता है पहले इसमें फिर देसी, एक मतलब देसी, हम चलते हैं कैसे हैं, देसी घी मक्खन तो है ही है, बेसन भी है, इसमें मोहब्बत भी है, क्योंकि जो वालदैन अपने अपने बच्चों के लिए बनाती हैं, औलाद के लिए जो माँ की मोहब्बत होती है ना, वो इसमें नज़र आ रही है। ये चीज़ें ख़रीदी नहीं जा सकती, ये मोहब्बत नहीं ख़रीदी जा सकती, ये अनमोल होती है, ऐसे ही बुरहान भाई जी, बिल्कुल ऐसे। अभी हम आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, बुरहान भी लेके हैं डिफरेंट चटकारा पॉइंट के ऊपर, ये मेरे मुंह पे जो लाइटें पड़ी हैं ना नीली पीली लाल, ये उधर ही पॉइंट की लाइटें हैं वो चल रही हैं, ये रोड में आपको सिंपल समझा देते हैं वही रोड है, पीछे ये जो है ना ये इस तरफ ये आलमदारुल माही है, इसे आगे इधर आ जाए तो ये पॉइंट है, ये गोलगप्पे वाले भाई डिफरेंट चटकारा पॉइंट के नाम से इनके गोलगप्पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, लो जी अज रात मैं ब्लूटूथ पे देखनी भाजी जी फिल्म बना रहे थी, कल पावे वाली दुकान से लाहौर बैठे हुए थे नार गली के बाहर, अब ब्लूटूथ नहीं चाचा यूट्यूब 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 है, और ठीक ठाक हो? बहुत शुक्रिया जी। भजन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? नासिर साहब, आप उकाड़ा से? साहिवाल से? अच्छा,
ਆਪਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਪੜਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ ਅਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਕਾੜਾ ਸੀ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਤਾਂ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲ ਉਕਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਗਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਗੱਪੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਨੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਨੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਲੋਬੀਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲ ਲੋਬੀਆ ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਜੀ ਅਰਵਾ ਬਰੀਕ ਲੋਬੀਆ ਔਰ ਵੋ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ये सारी चीज़ों का मिला के इन्होंने ये मिक्सर बनाया हुआ है इसमें प्याज आलू और सलाद इस्तेमाल किया ये देखो चिली अच्छा चलें ये चिली गोल गप्पे जनाब क्या ये कौन सा मसाला है स्पेशल आपका मसाला कोई सही हो गया ये भी मसाला आ गया कमाल यार ये आ गई चटनी ये चिली चिली वाली चटनी है खुबानी की चटनी मीठी अच्छा ठीक हो गया ये आ गया दही ओए होए होए खूबसूरत माशाल्लाह ये दही या क्रीम है दही ये केचप आ गई चिली सॉस है और ये है चिली ये चिली अच्छा इतना बड़ा गोलगप्पा भाई वो भाई मुझे कुछ होने लग गया ये इमली आलू बुखारे की चटनी है ओ हो हो भाई ये क्या है ये मायनी ओ यार ये गोलगप्पा ही है ये ब्लैक पेपर है वो काली मिर्च आ गई ऊपर ओए होए होए जी ये जिंगर गोलगप्पा हमारे सामने है इसमें जो जिंगर है ना एक्चुअली जिंगर वो ये है जो हमारे पास जिंगर चिकन होता है ना उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसका जो क्रिस्प होता है वो सारा इसको उन्होंने नाम दे दिया जिंगर गोलगप्पे का बाकी जो फीलिंग है ना इसकी भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है मैंने इस तरह के गोलगप्पे जिंदगी में कभी नहीं देखे और इस तरह खट्टे की भी कोई ज़रूरत नहीं है जो कुछ इन्होंने डाल दिया है यही सब कुछ है नो खट्टा नो नथिंग उठाओ मुंह में डालो हड़प लेकिन इसको खाना बहुत काम है भाई इसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह यार मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं खुलेगा नहीं मेरा भाई सर्जरी हुई है मैं नहीं खोला ये पूरा नहीं खाया आपका भाई खट्टा भी है इसका ये मुझे पकड़ा खट्टा भी है खट्टा बहुत लाइट है गले में चुभने वाला नहीं है अली एंड पूरा खा लेते हो पूरा नहीं आ करो मुंह जरा बाहर से भरा ना छोटा ही है आ करो नहीं होगा हां आ आ गया 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 आ गए बहुत ही कोई जालिम गोलगप्पा यार ये मेरे दर्द शुरू हो गया लेकिन दोबारा इंशाल्लाह अगर कभी चक्कर लगा तो उसको पूरा एक बाइट में खा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह आई कैन ईट बट अभी मेरी मजबूरी है अच्छा जी ये पहले नीचे फ्रूट डाला है इसके ऊपर आपने फिर वही फीलिंग है अनार आ गया ये चॉकलेट चॉकलेट चिप्स आ गई अभी इसके ऊपर आएगा जी गाजर का मुरब्बा बनानी पड़ेगी मिल जाएगी छुहारा किशमिश आ गई कुल्फा क्रीम अच्छा फुल मीठा गोलगप्पा भाई ये आ गया जी फ्रूट कॉकटेल ये फ्रूट कॉकटेल आ गई अनार ये गोलगप्पा तो लग ही नहीं रहा कहीं से खोया 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 ना ये यार ये क्या गोलगप्पा है ये ऊपर आ गया बादाम वाह ये रेडी हो गया जी ये देखो ये देखो ये देखो ओए होए 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 आलू बुखारे की चटनी है ये टूटी फ्रूटी गोलगप्पा है मैं नहीं खाता भाई मुझे क्यों इम्तिहान में डाला हुआ मैं ऊपर से चक्की मार मार खाऊंगा इसको ये डिफरेंट चीज़ है ओहो कमाल क्या कमाल चीज़ है यार गोलगप्पा पाट गया ओ खैर जो जिंगर गोलगप्पा है ना वो तो कमाल है ये जो टूटी फ्रूटी गोलगप्पा ना ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह हाफिज़ अच्छा जी अभी हम आ गए हैं अलहम टिक्का पे अलहम टिक्का कॉर्नर का यहाँ की जो फेमस चीज़ है वो इनका कलमी टिक्का है जो कि ड्रमस्टिक होती है चिकन की उसको एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है वो कलमी टिक्का कहलाता है और साथ इनकी अफगानी बोटी और मलाई बोटी ये हम इनसे ट्राई करेंगे
एड्रेस मैं आपको इसका समझा दूँ, सिंपल सा है। ये रोड आ रहा सीधा दूर पुली वाली साइड से, बिलाल कॉलोनी का ये एरिया है, और ये आपके जब आप इधर आगे आएंगे तो ये आगे जाती है रोड सीधा फरीदिया पार्क की तरफ। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट साइड पे आता है ये अलहमद, ये है अलहमद टिक्का कॉर्नर, ये मच्छी बनी हुई बार, सॉरी इसका नाम है अलहमद ग्रिल्ड फिश एंड बारबेक्यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ओहो दिल वाला नान दिखाएं ज़रा, वो दिल वाला नान, वाह स्पेशल नान है ये, स्पेशल नान है। कितने का? ओह ठीक हो गया, क्या हाल है भैया, ठीक ठाक हो? ये मछली लगाई हुई है, ये चिकन टिक्का चिकन कबाब, ये क्या है? ये अफगानी बोटी है, ये कलमी टिक्का है, इसमें क्या लगाते हैं? चिकन ड्रमस्टिक को क्या लगाते हैं? कोई मसाला स्पेशल होता है इसका? क्या होता है उसके अंदर स्पेशल? उस्ताद लगाता है आपका, ठीक हो गया। वाह कमाल। लो जी ये तंदूरी पराठा है दिल वाली शेप में, ये हमारे सामने आया है, ये कलमी टिक्का और ये इनकी अफगानी बोटी और ये मलाई बोटी साथ ही है इसके। मलाई बोटी नहीं लग रहा रही, ये मलाई बोटी है, कलमी और अफगानी, ठीक है कलमी है, ये कलमी टिक्का और ये अफगानी टिक्का और ये दिल वाले तंदूरी पराठे, इसको ट्राई कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये भी है फूड आर्ट, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, ये दिल वाला स्टाइल में सक भाई, ये दिल वाला कमाल, ये कलमी टिक्का, ये कलमी टिक्का आ गया इनका, और ये हमारे पास आ गई अफगानी बोटी, ये देखो साथ में शिमला मिर्च और टमाटर भी है इसके, ग्रिल किया हुआ इन्होंने, ये इसको ट्राई कर लेते हैं, ये देखो जी अफगानी बोटी, ये देखो मलाई बोटी टाइप चीज़ है थोड़ी सी, सिर्फ ग्रिलिंग करते हुए इन्होंने इसका टमाटर और शिमला मिर्च लगा के उसको ग्रिल किया साथ लगा के, उसकी वजह से वेजिटेबल का टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा और शिमला मिर्च का थोड़ा सा अरोमा इसके अंदर है, लेकिन तकरीबन मलाई बोटी जैसी चीज़ है, ये कमाल चीज़ है यार, ये देखो बहुत ज़्यादा, और ये कलमी टिक्का ये ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। इसकी जिस तरह इन्होंने मैरिनेशन की होती है ना कलमी टिक्के की, ये बड़ी कमाल है, अंदर तक फ्लेवर होता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट है और स्मोकी बहुत ज़्यादा है, बाहर से थोड़ा स्किन जो है इसकी थोड़ी सी, क्योंकि जान के उन्होंने ग्रिल ऐसी की है कि थोड़ी सी बाहर से जो है ना ये क्रिस्पी हो गई हुई है, लेकिन ये क्रिस्पी जो स्किन है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब खटास वाली और फ्लेवर वाली चीज़ है, बहुत कमाल है। ओह ये ऐसे खाने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे खाने वाली चीज़ है ये यार, बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ओके जी एक एक्सट्रीम टूर था साहिवाल का, नहीं क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, इसमें क्या हंस रहे हो, क्या बात है, थक गए हम भाई, खा के थक गए हम। एक्सट्रीम टूर था साहिवाल का, बहुत अनएक्सपेक्टेडली अनडाउटेडली फिनोमिनल फूड, कमाल का टेस्ट और कमाल की मछली, कमाल की मटन कढ़ाई और कमाल की ये टिक्का, ये कमाल का, ये हाँ ये टिक्का भी कमाल, बहुत कमाल टूर था। सुबह में हमने जो बर्फ़ी और जो लास्ट एपिसोड में हमने बर्फ़ी ट्राई की थी वो भी बहुत कमाल थी, और फिर हमने जो चाय पी थी वो भी बहुत कमाल थी, तो यार मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना कमाल फूड होगा यहाँ पे, तो मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। स्पेशल थैंक्स टू बुरहान भाई, इन्होंने हमारे दो बिल पे कर दिए, ये इन्होंने गलत किया हमारे साथ, लेकिन अल्लाह कबूल फरमाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपके कहने पर हम यहाँ पर आए साहिवाल में, निक्की खाला निक्के मुंडे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सरमद भाई का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से सब्सक्राइब करने के ऊपर, इधर आने पे नहीं नहीं इधर आके प्रमोट बड़ा किया इस बंदे, हाँ ये अच्छा ये चीज़ मैंने देखी है, हर बंदे को आपका नाम क्या है, अच्छा ये साकिब मुबीन का चैनल सब्सक्राइब करें, खलो खलो के सब्सक्राइब करो, खलो खलो
वो मुहिम साजी का आगाज कर दिया आपने, सही हो गया। ओके जी, आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज माई इंस्टाग्राम। ओ आज केड़ा आ गया, आज कौन आ गया मेरे, तुम एम क्यू आंदे हो। अच्छा, ये जो है ना, ये भाई अब्दुल्ला भाई, इनका भी बहुत शुक्रिया, गाड़ी चला के आए, थके हुए थे, इसके लिए इनको हमने सुला दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।